सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने पंजाब विच वैक्सीन दी घाट लई केंद्र सिर ठीकरा भन्निआ ऐ। केंद्र ते पंजाब नूं वैक्सीन दी सप्लाई देण विच पक्षपात करन दे इल्जाम लाए ने। पंजाब विच वैक्सीन दी बर्बादी अते सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू वल्लों ए बयान दित्ता गया है जो पंजाब विच वैक्सीन दी बर्बादी हो रही है इस नूं लैके कई तरह दे सवाल भी खड़े किए जा रहे ने। उन्हां कहा कि इन्नी वड्डी मुहिम विच वैक्सीन दी बर्बादी कोई वड्डी गल नहीं है। पंजाब विच वैक्सीन दी बर्बादी दियां सामने आईयां सन मीडिया रिपोर्टां। पंजाब दा देश विच तमिलनाडु ते हरियाणा तो बाद दस्या गया सी वैक्सीन बर्बादी विच तीजा स्थान ते जिस तरह दे नाल लगातार जो रिपोर्टां भी सामने आईयां सन कि पंजाब दे विच लोकां नूं वैक्सीन मुहैया नहीं कराई जा रही है, वैक्सीन दी बर्बादी कीती जा रही है। इस विचकार सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने पंजाब विच वैक्सीन दी घाट लई केंद्र सरकार सिर ठीकरा भन्निआ ऐ। केंद्र ते पंजाब नूं वैक्सीन दी सप्लाई देण विच पक्षपात करन दे इल्जाम लाए ने। पंजाब विच वैक्सीन दी बर्बादी ते सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने बयान दिता। उन्हां कहा कि इन्नी वड्डी मुहिम विच वैक्सीन दी बर्बादी कोई वड्डी गल नहीं है। पंजाब विच वैक्सीन दी बर्बादी दियां मीडिया रिपोर्टां सामने आईयां सन। पंजाब दा देश विच तमिलनाडु ते हरियाणा तो बाद दस्या गया सी वैक्सीन बर्बादी विच तीजा स्थान। कल हमारे पास जो स्टॉक था वो 24 अवर का था, लेकिन आज हमारे पास 2 लाख डोज आने की संभावना थी। उसके बारे में अभी मैं कन्फर्म नहीं आई या नहीं आई, और जेकर वो आई होगी तो हमारा काम चलेगा। जेकर सपोज कर लो वो उसके थोड़ा डिले होता है तो जो हमारी ड्राइव चल रही है उसमें काफ़ी असर पड़ता है। हर्षवर्धन जी से मीटिंग हुई है, उस दिन मैंने बोला 15 लाख कम से कम जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए, क्यों जो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको इसको इतना लेबरेट किया है, एक्सपेंड किया है कि 3 लाख भी हम पर डे लगा सकते हैं। अब तो 3000 तो सेंटर हमने अपने खोल दिए हैं, प्लस उसके बाद कैंप्स लगते हैं, तो 3 लाख लगाना भी हमारे लिए कुछ ज़्यादा बड़ा काम है। तो सेंटर की कमी है, वो वैक्सीन नहीं दे पा रहा। देखो सुनो, देखो ये पता नहीं सेंटर की कमी है या तो सेंटर की क्या प्रॉब्लम है, वो सेंटर जानता है, लेकिन जहाँ से ये प्रोडक्शन है उनको जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ानी चाहिए। एक हरियाणा के लिए शेड्यूल बनाया है, जो सबसे बड़ी पार्शलिटी की बात करता हूँ मैं कि उनको इम्पार्शल होना चाहिए। क्यों उन्होंने हमारे लिए पंजाब क्यों नहीं बनाया? ये सेंटर के ऊपर हमारा आरोप जरूर है कि सेंटर को नहीं नहीं, मैं कहता हूँ हरियाणा के लिए शेड्यूल बन सकता था, पंजाब के लिए क्यों नहीं? सर दूसरा, हाँ, बीजेपी की रिपोर्ट आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि स्टेट्स को वैक्सीन नहीं मिल रही, आप ये कह रहे हैं उनके साथ पार्शियल? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आप इस चीज को इसके बाद का बतंगड़ मत बनाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे स्टेट है जो सबसे जो 5 स्टेट ज्यादा प्रभावित है उनमें हम भी शामिल हैं, और जो ज्यादा डेथ रेट है वो भी हमारा है। हमारे को प्रायोरिटी देनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम पंजाब को जल्दी, लेकिन उस आप देख रहे हो वैक्सीन पूरी प्रॉपर मात्रा में नहीं आ रही। पंजाब में अभी तक ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं है, ऑक्सीजन पंजाब में सफिशिएंट हमारे पास है, जहाँ हमारे सोर्सेज हैं। हाँ, सिर्फ जो दो उन्होंने प्लांट लगाने थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक पटियाला में एक अमृतसर में, उनको जल्दी लगाने चाहिए कि जो आगे अगले दिनों में अगर बाजार में पीक बढ़ती है तो ऑक्सीजन की बात अब जरूरत पड़ सकती। ऐसे ख़राब नहीं हुई, जे 30 लाख में से 1 लाख जहाँ 1,60,000 डोज खराब हो जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इतनी की परसेंटेज आमतौर पे होती है। टेम्परेचर हो गया, प्लस जो लगा रहा है उसके पास वो सिरिंज में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसे हो जाती है यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੇਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਡੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3rd number ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
कि यह जरा है बहुत ही ज्यादा गल हैगी है। अगर जरा वैक्सीन जरा है अगर 30 लाख डोसिस डेढ़ लाख डोज जी है बर्बाद हो जाए तो कोई वड्डी गल नहीं हैगी, लेकिन इस वेले सिचुएशन समझनी बहुत ज्यादा अहम चीज हैगी है स्वाति, क्योंकि एक एक डोज जी है बहुत ज्यादा अहम हैगी है, क्योंकि यही वैक्सीनेशन या कोविड जैब जड़े है ने उही एक विजिबल सोल्यूशन नजर आ रहा है लोगों को, और जिथे एक पास यही किया जा रहा है कि लोग वो तो वो चढ़ के जरा है वो डोजेज वैक्सीनेशन करवा और हूँ एक मई तो बाद जरा है 18 साल तो जो लोग है उन्होंने भी वैक्सीनेशन जरा है लगवाना जरा शुरू किया जाएगा, और पंजाब जरा है टीचा करके चलिया है कि हर रोज 2 लाख जरा लोगों है वैक्सीनेशन लगाए। बिल्कुल, जिस तरह के नाल लोगों नू लगातार अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन जरूर लगाओ क्योंकि बचाव बहुत जरूरी है, पर इस विचकार इत्थे सेहत विभाग नू भी जरूर समझना होगा कि वैक्सीनेशन की बर्बादी ना होवे, इस वल ध्यान देने की लोड़ है। शुक्रिया नेहा गलबात लई।